आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भाषणी है और वर्बल मैथ बाय भाषणी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में पर बताइए इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। देखिए, नंबर सीरीज के कुछ पैटर्न निकाले हैं। लेटेस्ट जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें से भी है, सीजीएल जो हुआ था पहले वाला उसमें से भी है, सीपीओ सीएचएसएल। तो जो थोड़े से अच्छे सवाल है, देखो डबल डिफरेंस तक तो आपको पता ही है कि डबल डिफरेंस निकाल लो, पहले वाले का डिफरेंस निकाल लिया, डबल डिफरेंस निकाल लिया, बहुत आसान आसान तो पैटर्न आपको पता है। तो थोड़े से एकदम से स्ट्राइक नहीं करते, वो पैटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप पहले इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे वन, यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तीन, यहाँ से डिफरेंस निकालोगे चार, फिर डिफरेंस निकालोगे सात, फिर डिफरेंस निकालोगे 11, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का जोड़, एक और तीन का जोड़ यहाँ पर आ रहा है चार, तीन और चार यहाँ पर आ रहा है सात, चार और सात यहाँ पर हो रहा है 11, 11 और सात यहाँ पर आ रहा है 18, ठीक है। तो 18 और 28 अगर हम करेंगे तो 46, आंसर है 46। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैंने एक बार एक ऐसे करके सर्च मारा फिबोनाकी सीरीज, फिबोनाकी सीरीज अभी मत करो, वो मेंस के लिए रहेगा, अभी मत करो फिबोनाकी सीरीज। गोल्डन रेशियो करके मैंने एक बार जब पिछले साल सुपर 100 की क्लास आनी थी तब करवाया था, तो इसको देख के एकदम से मुझे याद आया, ठीक है। तो फटाफट करा देते हैं, टाइम कम है आप लोगों के पास। दूसरा, डिफरेंस निकालोगे सबसे पहले तो 20 आएगा, फिर डिफरेंस निकालोगे 10 आएगा, फिर डिफरेंस निकालोगे 10 आएगा, फिर डिफरेंस निकालोगे 15 आएगा, फिर डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे 30 आएगा। यहाँ पे डबल डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से देखना है ये आधा हो रहा है, फिर एक से मल्टीप्लाई, डेढ़ से मल्टीप्लाई, दो से ढाई से, यानी कि इसको मैं आधा कर रहा हूँ, 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर डेढ़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ढाई से। तो 30 को ढाई से करोगे 75, 88 और 75 अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पे 3 153 आंसर आ गया, 153 नहीं 163 आएगा, 163, ठीक है, 163 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, डिफरेंस सबसे पहले निकालोगे, आप बोलोगे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे -4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 3 9, ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो 16, -16 का डिफरेंस है। देखो यानी कि ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो आएगा 25 का डिफरेंस आएगा। तो 67 और 25 अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 92, 92 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंस निकालो 1, आगे कोई डिफरेंस यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 और 80 और 64, हाँ 64 देख के आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, 201 में से 76 चले गए तो 5 और 2 125, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ पे इस चीज को हम कर सकते हैं, हाँ 5 का क्यूब है ये, ठीक है। और देखो पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखो, यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस है, तो यहाँ पे -4 का क्यूब है। तो अगर मैं और जाऊंगा तो आप ऐसे भी कह सकते हो 1 का क्यूब, यानी कि पहले का डिफरेंस है 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर से 121 माइनस 2 का क्यूब करके देख लेता हूँ, 2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8, तो यहाँ पे 113 आ गया। अब 113 में अगर मैं 3 का क्यूब जोड़ के भी देख लूंगा, 127 140, बिल्कुल ठीक, यानी कि 113 आंसर है, परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, पेपर में एकदम से स्ट्राइक नहीं होंगे ये सारे, वही है, ठीक है। इसमें करते हैं डिफरेंस करते हैं, 0 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस करते हैं 3 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस करते हैं। तो आपने बोला कि डिफरेंस जब ज्यादा आ रहा है तो मल्टीप्लाई का रोल है, डिफरेंस का ज्यादा, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो मल्टीप्लाई का रोल है, मल्टीप्लाई का रोल है। यहाँ पर आपने बोला कि इंटू 1, यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई का रोल नहीं है, चलो प्लस कर देते हैं, +3, यहाँ पर अगर इसको कर देता हूँ प्लस इंटू 5, ठीक है। तो ये एक बार प्लस है, पहले मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, तो ठीक है। आपने बोला 1 3 5 7 9,
अब की बारी 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 177 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो कि 7 × 3 = 15। थोड़ी ना जुकाम कुछ ज्यादा हैवी है, थोड़ा नहीं है, हैवी हो रखा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे करते हैं, आपने बोला सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे, तो सबसे पहले जीरो यही दिमाग में आएगा, 6 यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हो, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है डिफरेंस 24, यहाँ पे और डिफरेंस निकालेंगे 60, यहाँ पे और डिफरेंस निकालेंगे 215 में से, अगर मैं 95 निकाल देता हूँ, 0 11 तो 120, ठीक है। तो 06, देखो ये बहुत अच्छी चीज है, 06 24 बनाना सिखाता हूँ आपको, ये जब भी इस टाइप का डिफरेंस आता है तो आपने कुछ नहीं करना, 1³ - 1, 2³ - 2, 3³ - 3, 4³ - 4, 5³ - 5, तो 6³ - 6, 216 में से 6 गए, 210 का डिफरेंस आएगा, यानी इसके बाद 210 और जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 425, तो दैट्स द आंसर 425, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं, वाला डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, डबल डिफरेंस पे चला गया तो ठीक है, बट देखो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपका आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, डबल डबल डबल, ठीक है, 9 × 2 + 3 कर दो 21, 21 × 2 + 4 कर दो 46, 46 × 2 + 5 कर दो, बन गई बात 97, तो अगला आपका आ जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा, फिर 200 के बाद आपने बोला 200 × 2 + 7 कर दो, तो यहाँ पे 407, इजी। नेक्स्ट यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है -6 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है -6 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का, तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा ठीक से, ठीक है, आगे चल के बन रहा है, शुरू में नहीं बन रहा। जब भी आपको थोड़ी बड़ी सी सीरीज दिखे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 4 से बढ़ गया, ये भी 4 से बढ़ गया, ये भी 4 से बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी देख लें, ये भी 4 से बढ़ गया, ये भी 4 से, हाँ ठीक है, तो 34 को 4 से बढ़ा दो 38 आंसर आ गया, ये ठीक है, एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, ये सॉल्व करे हुए हैं तभी स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस की जगह मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ पे डिफरेंस कर दो 4 का, देखो वही प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई इंटू 5 प्लस 6 सॉरी इंटू 7, तो 2807, ये आपका आंसर आ गया, हाँ ठीक है, बहुत बड़ी सीरीज है, बड़ी सीरीज है तो दो जुड़े हुए होंगे, कोशिश कर सकते हो आप, देखो जैसे यहाँ पे 0 का आ रहा है तो पहले इससे देखो, ये देखो 1, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का, चलो बन गई बात, यानी प्लस 1 प्लस 4 1 4 9, ठीक है 16, यहाँ पे अगर आप करोगे 25, यहाँ पे आप आंसर करोगे तो 36, ठीक है 61 + 36 797 तो 97 क्लियर है। फिर से एक बड़ी सी सीरीज है, बड़ी सीरीज को आप एक पैटर्न लेके बना सकते हो, तो यहाँ से सर्च मारेंगे 3, यहाँ पे 3 के बाद सीधा 6, 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 18 × 72, तो ये भी बट पेपर में अगर ये आ जाते हैं ना तो इतनी जल्दी स्ट्राइक करते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप पहले कर सकते हो, इसको कर जाते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटी सीरीज है, यहाँ पे डिफरेंस सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का, फिर आगे डिफरेंस रहने दो, डिफरेंस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, डबल डबल सा दिख रहा है, तो आपने बोला 19 × 2 + 1, 39 × 2 - 1, 77 × 2 + 1, ठीक है, तो सॉरी 155 × 2 - 1, तो 309 आंसर आ गया ना, ठीक है 309। तो ये कुछ पैटर्न थे आपके, आई होप कि आपको
ये सब चीजें जितनी भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके काम आएगी, इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि पेपर में आप आपकी मदद हो जाए, ठीक है। और आई होप कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से मैं और शॉर्ट वीडियो बताऊं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।